एक क्वेश्चन है जो मेरे से ऑलमोस्ट मेरे हर सेशन में कोई ना कोई जरूर पूछता है, तो मैंने सोचा कि आज इस क्वेश्चन की डेप्थ में हम चलेंगे मिल करके, यानी कि आप जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं और मैं, हम लोग मिल करके इस क्वेश्चन की डेप्थ में चलेंगे और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। वो क्वेश्चन है कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे। तो इससे पहले कि इस क्वेश्चन की हम डेप्थ में चले, मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी स्टडी के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो हुई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1998 में। एक प्रोफेसर ने इस स्टडी को किया जिसमें कि बहुत सारे बच्चे थे जो कि सारे फिफ्थ स्टैंडर्ड के थे, और उनको पजल्स थी बहुत तरह तरह की सॉल्व करने के लिए। उसमें से कुछ पजल्स बहुत ही मुश्किल थी, कुछ बहुत ही आसान थी। उसके बाद में जब उन बच्चों ने उन पजल्स को सॉल्व किया तो उसके बाद में सभी बच्चों को एक ही बात कही गई कि आपने बहुत अच्छा किया। बस यहाँ पर एक छोटा सा फर्क था। आधे बच्चों को उन्होंने कहा कि आपने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और बाकी के जो आधे बच्चे थे उनको कहा गया कि आपने जो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया उसकी वजह थी आपका हार्डवर्क। फिर उसके बाद में दोबारा से इन सब बच्चों को कुछ पजल्स दी गई सॉल्व करने के लिए, जिसमें से कुछ बहुत ही आसान थी और कुछ बहुत ही मुश्किल थी। अब यहां पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग निकल करके आया जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, उनको जब वो पजल्स मिली तो उन्होंने क्या किया, जो मुश्किल पजल्स थी उसको छोड़ दिया, आसान पजल्स के ऊपर काम करना शुरू किया, और उसमें भी कुछ देर बाद ही वो बच्चे बोर हो गए। दूसरी तरफ से वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आपने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि आपने हार्डवर्क किया, उन्होंने सिर्फ आसान पजल्स को अटेम्प्ट नहीं किया बल्कि मुश्किल से मुश्किल पजल्स को भी अटेम्प्ट किया और सॉल्व किया। फिर उसके बाद में जब ये पूरी स्टडी कंप्लीट हुई तो उन बच्चों से पूछा गया कि किसको ज्यादा मजा आया इसको करने में, तो वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो उनको मजा नहीं आया, यानी कि वो मोटिवेटेड नहीं थे, और वो बच्चे जिनको कहा गया था कि जो भी आपने किया वो अपने हार्डवर्क की वजह से किया, उन्होंने ना सिर्फ अच्छा परफॉर्म किया बल्कि वो एंड तक मोटिवेटेड भी थे और उनको मजा भी आया। अभी स्टडी जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जिस तरीके से हम सोचते हैं हमारे थॉट पैटर्न को चैलेंज करती है। हम क्या सोचते हैं कि अगर हम पेरेंट्स हैं या हम टीचर्स हैं और अपने बच्चों को हम बोलेंगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन इस स्टडी में एग्जैक्ट उसका अपोजिट निकल करके आया है। तो इस स्टडी में जो फैक्ट्स रिवील हुए उसको समझने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल। हुआ क्या कि जिन बच्चों को कहा गया कि आप बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो उनके अंदर नहीं था, उनके बाहर था। लोकस का मतलब है सेंटर ऑफ कंट्रोल, मतलब कि अगर वो स्मार्ट है, अगर वो इंटेलिजेंट है, तो इसमें उनका खुद का कोई रोल नहीं है, वो उनके कंट्रोल से बाहर है। दूसरी तरफ से जिन बच्चों को कहा गया कि जो भी आपने अचीव किया वो अपने हार्डवर्क की वजह से अचीव किया, उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो उनके अंदर था, यानी कि हार्डवर्क पूरी तरह से उनके खुद के हाथ में था कि अब उनके ऊपर है कि वो कितना हार्डवर्क करते हैं। और ये सिर्फ इस स्टडी में निकल करके नहीं आया है, इस तरह की और भी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं जहां पर एग्जैक्ट यही चीज निकल करके आई है कि अगर हम खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में होना चाहिए। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ से चला जाता है, और ऐसा क्या होता है जब कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। जब भी हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा इस वजह से, उस वजह से, उस वजह से, जो कि मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, जब हम अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, तब कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में आ जाता है। जब हमारा फोकस उन रीजंस पे नहीं होता है जिनकी वजह से हम वो नहीं कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, बल्कि उस जगह पर होता है कि जिस वजह से हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, तब हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में कुछ लोग हैं जो टॉप पे बैठे हैं, आपके पास में दो ऑप्शन है। एक, आप बोल सकते हो कि वो लोग, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो आपके अंदर नहीं है, या फिर उनकी किस्मत है जिसकी वजह से वो वहां पर बैठे हैं, या फिर उनके पास में कुछ था, किसी का सपोर्ट था जिस वजह से वो वहां पर है। अगर इसमें से ऐसा आपने कुछ भी बोला तो आप फंस गए, अब आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते उस काम को करने के लिए जो आप काम कर रहे हो, क्योंकि अब कंट्रोल आपके हाथ से बाहर है। क्योंकि अब अगर आपके पास में वो है ही नहीं जो उनके पास में है, तो अब आप वो कैसे बन सकते हो जो कि वो बन चुके हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड में जो भी टॉप पे बैठे हैं वो वहां पर है अपने हार्डवर्क की वजह से, अपने स्मार्टवर्क की वजह से, या जो कुछ भी उन्होंने किया, जो कुछ भी उन्होंने सीखा उसकी वजह से, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, उन्होंने भी मेरी ही तरह एक ना एक दिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करी थी जहां से कि आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो मुझमें और उनमें अगर कोई फर्क है तो वो सिर्फ एक है, वो है टाइम का, कि आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद मैं भी उन्हीं की जगह पर हो सकता हूं या उनसे भी आगे हो सकता हूं जहां पर आज वो है। तो आप, कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो हमारे पास में हमेशा ये दो ऑप्शंस होते हैं, एक कि हम कंट्रोल को अपने हाथ से छोड़ दें
और दूसरा कि कंट्रोल हम पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लें। एक के कंट्रोल हमारा बाहर हो, एक है कंट्रोल हमारा अंदर हो। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि आपका कंट्रोल कहीं बाहर नहीं होना चाहिए, आपके अपने ही अंदर होना चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।